लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतिवाद यानी प्रोटेस्ट करने वाला चाहे एक हो या हजारों, सुनवाई नहीं होगी, गोलियां चलेंगी। सरकार की इसी पॉलिसी ने आतंकवाद को जन्म दिया है। पुलिस की जुल्म के खिलाफ बंदूक उठाना जीने की हक का जरूरत बन जाता है, तब कोई भी सरकार राज्यपाल जैसे लोगों को ना तो पनपने से रोक सकती है, ना ही उनको जीत सकती है। राज्यपाल को हीरो बनाने वाला कोई आदिवासी तबका नहीं, हमारी अपनी सरकार है। चैनल 16 से कनेक्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। थैंक यू। उधर देखो कौन है। ए, कौन है, कौन है उधर? खबरदार, अगर आवाज किया तो मार दूंगा। चुप जा, चल। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बाबा बाबा बाबा, मैंने कुछ नहीं। बाबा मुझे छोड़ दो। याद कर, ये वही इलाका है जहां तूने निहत्थों की जान ली थी, गोली चलाई थी उन पर, याद है ना? मुझे छोड़ दो। राजप्पा से कहना कि हमने बदला ले लिया। पुलिस, सीआरपी और बीएसएफ के कई जवानों की लाशें जंगल में मिली। अनुमान यह है कि पुलिस के लाठीचार्ज और गोली चलाने के जवाब में राजपा के लोगों ने ऐसा किया। पीपी, मैंने तुमसे कहा था ना, राजपा जवाबी हमला करेगा। आइए आइए, कमांडो चीफ रॉय साहब, आइए। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए रॉय साहब। थैंक यू सर। बड़े दुख की बात है, सीआरपी, बीएसएफ और पुलिस तीनों मिलकर एक राजप्पा नाम के आदमी को नहीं पकड़ पा रहे हैं।
राजापा एक नहीं है सर, मेरा मतलब वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। कौन से बहुत से लोग? उसके नाम के नारे लगाने वाले वो नंगे आदिवासी? सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं सर, बल्कि उसके हुक्म पर अपनी जान देने वाले। सो व्हाट? गवारों की उस भीड़ पर हमारी ट्रेंड फोर्सेस काबू नहीं पा सकी। सर मैं बिल्कुल काबू पा सकती हैं सर। सर रजप्पा को हम पलक झपकने से कम समय में खत्म कर सकते हैं। वी कैन फिनिश हिम ऑफ। आप हमें खुली छूट दे दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। किसी फोर्स की जरूरत नहीं हमें सर, सिर्फ 4 या 5 आदमी काफी है। मुझे ये सुनकर खुशी हो रही है। पीए साहब, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, आइए टीवी ऑन कर दीजिए, आखिर मैं भी तो सुनूं कि वो क्या बोलती है। सुना है चैनल 16 की एक रिपोर्टर है जो आजकल राजप्पा के हक में बहुत बातें कर रही है। सर उसके हक में नहीं, उसकी लड़ाई के हक में। तो तुम्हारा मतलब है कि सरकार के खिलाफ है वो? चैनल 16 के इस प्रोग्राम पर कन्नगी माइसुरे आपका स्वागत करती है। पहले हम नजर डाले जा रहे हैं आदिवासी और सरकार के बीच चल रही उस टेंशन पर जो लड़ाई का रूप धारण करती जा रही है। निहत्थे आदिवासियों की भीड़ पर पुलिस का लाठी चार्ज करना, गोली चलाना और जवाबी हमले करके आदिवासियों का कुछ पुलिस वालों को मार डालना, ये एक तरह की लड़ाई ही तो है। खुलकर बात की जाए, इससे क्या सरकार की इमेज कम हो जाएगी या फिर मिनिस्टर मिश्रा की ईगो हर्ट हो जाएगी? मगर नहीं, सीएम साहब अपने जिद पर अड़े हुए हैं। पहले सरेंडर करो, फिर बातचीत होगी। मगर वो भूल रहे हैं कि विचारों के सैलाब में आत्मविश्वास नाम की वो शक्ति होती है जिसे मौत का डर मार नहीं सकता। राजप्पा किसी एक इंसान का नहीं, एक अटूट विश्वास, एक महान शक्ति का नाम है। बाबा, आज तक सारी दुनिया की प्रेस राजप्पा का इंटरव्यू पाने के लिए बेचैन रही है। हमने फैसला कर लिया है, हम अपना पहला इंटरव्यू कन्नगी को देंगे। हमारा रिकॉर्डेड मैसेज आप नेटवर्क के जरिए आज ही रात कन्नगी तक पहुंचा देना। तुम्हें इंटरव्यू दूंगा भी मैं और तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा भी मैं। जिस दिन से सरकार से खुद मुख्तारी मांग रहा हूं, उसी दिन से ऊपर वाले से तुम्हें भी मांग रहा हूं। एक बार यहां आ जाओगे ना, जाने नहीं दूंगा। क्यों मिट्ठू मियां, कौन है ये? अच्छा, शुक्रिया। कन्नगी भाई, बहुत बहुत मुबारक। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कन्नगी। थैंक यू भाई। एक तरफा कहानी तो हो गई, अब इसके जवाब में चीफ मिनिस्टर का भी इंटरव्यू ले लो, ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों के सामने पेश कर सकें। बट याद रखना, चीफ मिनिस्टर इज अ पॉलिटिशियन। डोंट वरी सर, बुढ़ों को घर तक पहुंचाना मुझे आता है सर। होंगे अपने घर में पॉलिटिशियन, डोंट वरी। आदिवासियों के जमघटे के पास तीर कमान, बर्छे और तलवारें थी, इसलिए गोली चलाना पुलिस का जुल्म नहीं, मजबूरी थी। लेकिन राजप्पा ने जो किया वो सरासर आतंकवाद है, टेररिज्म, खुली बगावत है। पुलिस के खिलाफ हथियार उठाना एक ऐसा वैसा जुर्म नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। लेकिन सरकार कभी बदले की भावना के तहत काम नहीं करती। कानून अपना काम करेगा और सरकार अपना। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक अच्छी रेपुटेशन वाले सोशल वर्कर, एक रूलिंग पार्टी का एमएलए और दो ऑपोजिशन पार्टी के एमएलए शामिल है। मगर इस कमेटी की जिम्मेदारियां क्या है? इस कमेटी की जिम्मेदारी है ये फैसला करना कि आदिवासियों की खुद मुख्तारी की मांग किस हद तक सही है। मंत्री जी, आदिवासियों की खुद मुख्तारी की मांग जायज है या नाजायज, इसका फैसला करने के लिए जो कमेटी चुनी गई है उसमें उनके नुमाइंदे क्यों नहीं है? सरकार के खिलाफ हथियार उठाने वाले हाथ जब तक हथियार रखकर जुड़ेंगे नहीं,
तब तक सरकार उनसे कोई बात नहीं करेगी। जिनके सर की छत और पेट की रोटी को खतरा हो, उनसे सलाह मशवरा किए बगैर कोई भी फैसला लागू कैसे किया जा सकता है? देखो कन्या, जिन लोगों के हाथों ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो काफी इज्जतदार लोग हैं, काफी अक्ल वाले हैं और काफी सूझबूझ वाले लोग हैं। कोई शक? इसमें कोई दो राय नहीं है मंत्री जी, लेकिन जिस तरह छत के बगैर मकान अधूरा होता है, ठीक उसी तरह आदिवासी रिप्रेजेंटेशन के बगैर ये कमेटी अधूरी है। मुझे खेद है कि फिलहाल सरकार इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओवर, थैंक्स अ लॉट। बीपी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज अस, प्लीज एक्सक्यूज अस, सॉरी मंत्री जी, आपसे एक सवाल पूछनी है। इसके बाद जब आपकी कमेटी मिलेगी, नो मोर क्वेश्चंस, तो आप किस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं? नाउ कॉन्फ्रेंस इज ओवर। मेरी आवाज सुनकर हैरान परेशान मत होना और ना ही इसे मजाक समझना। मैं रजप्पा हूँ, तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ मैं। जिस तरह अपने प्रोग्रामों में मेरी और मेरे लोगों की और मेरे मकसद की तरफदारी की है तुमने, वो काबिले तारीफ है। मैं खुद मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें अपने खुफिया अड्डे पर आने की दावत देता हूँ और तुम्हें अपना पहला इंटरव्यू देने का वादा करता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम अकेली आओगी। किसी किस्म की होशियारी या चालाकी की कोशिश मत करना। अगर पुलिस को इस मुलाकात की भनक भी लग गई तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरा भरोसा और अपनी जान दोनों ही खो बैठोगी। मेरा आदमी रात को तुम्हें फोन करेगा सिर्फ हाँ या ना सुनने के लिए। मुलाकात होने तक अलविदा, नमस्कार। सर, हम ये चांस मिस नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मिस नहीं कर सकते, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या सर? तुम वहाँ अकेली नहीं, किसी को साथ लेकर जाओगी। हाँ सर, ये तो मेरे बस के बाहर है। रजप्पा ने मना कर दिया तो? अगर रजप्पा नहीं मानेगा तो तुम वहाँ नहीं जाओगी। हेलो। हाँ या ना? मैं आ सकती हूँ, लेकिन अकेले नहीं, साथ में एक कैमरामैन होगा शूटिंग करने के लिए। इसका फैसला तो रजप्पा से बात करने के बाद ही होगा। मैं सुबह फोन करूंगा। गुड अन्ना। क्या है? वो मंजैया का संदेश आया है, कन्नगी अकेली नहीं आ सकती, उसके साथ वो चलचित्र खेचू यानी कि फोटोग्राफर भी आएगा। मंजैया तक हमारा हुक्म पहुंचा देना। कैमरामैन लाने की इजाजत है, मगर वही होना चाहिए जो कन्नगी के साथ अक्सर काम करता है, वीपी सिंह। हेलो। हेलो कन्नगी। वीपी सिंह का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो रॉयल हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में है, तुम जल्दी वहां पहुंचो। ओह माय गॉड। बीपी, बीपी, ये कैसे हो गया? करने की जो होना था हो गया, इट्स जस्ट बैड लक। ये लो। ये क्या है? इस पर शुभांकर नाम के एक आदमी का पता है। हाँ? तुम मेरे बदले उसे अपने साथ ले जाओ। इसे? लेकिन बीपी, तुम्हें इस हालत में मैं कैसे? मेरा ख्याल यहाँ लोग देख रहे हैं, तुम जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। बीपी नहीं, इस वक्त तो मैं कनेगी, यू हैव टू गो प्लीज फॉर माय सेक। एक वक्त आएगा जब सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, हमें अलग सुबह बनाकर देना ही होगा। तब मैं बनूंगा उस सुबह का मुख्यमंत्री और तुम बनोगे मेरी पत्नी। खामोश मिट्टू, चिल्लाने से बात फैल जाती है और ये बात तो हमारे दिल का राज है। अन्ना, अन्ना। क्या है? वो कैमरामैन का एक्सीडेंट हो गया। वही वीपी सिंह का। अब कनगी के साथ कोई दूसरा कैमरामैन आ रहा है,
दूसरा कैमरामैन? ठीक है, उन पर नजर रखो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये दूसरा कैमरामैन कौन है। Smile, 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 honey, come along. Yes, that's it. I love this. Gorgeous, lovely. सर, कोई लड़की आपसे मिलने आई है? बैठो अंदर। जी। Great. Chin up, profile. Yeah, that's it. Lovely. Excuse me. Beautiful. One. Oh yeah. I like it. I love it. All right, change. Yeah, that's right. Pull that down. Slide it down. नीचे करो. Mister. कपड़े को नीचे करो. नीचे करो. I want it down. Don't you understand? That's it. Okay, let's go. Here we go. Beautiful. Beautiful. I like the look. I like it. Lovely. Beautiful. Wonderful. Okay, honey. Go and change. क्या नाम है? कन्नगी। ये क्या नाम हुआ? खैर, काम क्या है? मुझे आपकी मदद चाहिए। Oh, I see, मदद। सूरत तो ठीक ठाक है, फिगर भी अच्छा है। Let me check your legs. Stop that! मैं यहाँ मॉडल बनने नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हो? मैं आपके लिए एक असाइनमेंट लेकर आई हूँ। कैसा असाइनमेंट? एक वाइल्ड लाइफ फिल्म डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ मैं, जंगल में, उसे फोटोग्राफ करना है। ओह, आई सी। 1,00,000 रुपए लगेंगे। व्हाट? 1,00,000 सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए? भाई, मैं जंगल की खाक क्यों छानूं, जबकि इन हसीन मॉडल्स को फोटोग्राफ करके मैं उससे ज्यादा कमा लेता हूँ। मैंने सुना था आपको जंगल से प्यार है, जानवरों से इश्क करते हैं और बेहतरीन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है आप। वो तो हूँ, इसीलिए तो तुम यहाँ आई हो। और मुझे जानवरों से प्यार भी है, लेकिन शौक के लिए मूड चाहिए और इस वक्त मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड बनाने के लिए 1,00,000 रुपए लगेंगे, मंजूर है? ये क्या है? क्या है? ये कोई तरीका है औरतों के सामने बैठने का? हाँ, तुम्हारे कैसे बैठूं? अपना पांव आपकी गोद में रखूं क्या? पांव हटाओ अपना। ओह गॉड। मेरा पैर मत छुओ। हटाओ। मुझे तुम्हें अपना चेला बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, माफ करना। ओह गॉड, स्टुपिड मैन। सर। हेलो मिस्टर सिंह। हेलो सर। प्लीज सिट डाउन। क्या लेंगे आप? नो थैंक यू सर। मिस्टर सिंह, इतनी अच्छी एक्टिंग करने के लिए आपको बधाई और शुक्रिया। सर, शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सर, अब मसला कनेगी की जिंदगी का है। अगर रजप्पा को शुभंकर की हैसियत मालूम पड़ गई तो वो उसे मार डालेगा। ही विल किल हर सर। जानता हूं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मिस्टर सिंह, इस देशद्रोही तक पहुंचने का मुझे पूरा यकीन है। रजप्पा को कुछ भी पता चलने से पहले हम उसे पकड़ लेंगे। जल्दी करो, बाप रे, देर हो गई। एक्सक्यूज मी। रुको। ओह गॉड, एक्सक्यूज मी, बस स्टॉप यहीं है। उधर उधर, अरे जल्दी चलो। जल्दी भागो। अरे आ रहा हूँ। भाई साहब, बस अड्डा यही है क्या? हैं? हाँ, अभी शमशान घाट मारता है। चली गई, सब चली गई। कौन चली गई? ए भाई, बसें गई, बसें चली गई। बस कटे से बसें नहीं जाएंगे तो क्या हो रहे जाएंगी? हाँ भाई साहब, हमें बंदीपुर जाना है। अरे बाबा, बंदीपुर जाओ या नंदीपुर, कल सवेरे। राजप्पा, ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए बस छूट गई।
तो अब क्या होगा? स्टेशन का वेटिंग रूम खुलवाने का इंतजाम कर दिया है। अकेली औरत एक मर्द के साथ एक ही कमरे में रात कैसे गुजारेगी? आपस में कोई समझौता कर लेंगे। समझौता? कपड़े बदल लो, अंदर आ जाओ। आई मीन होल्ड इट, होल्ड इट, जल्दी प्लीज। हाँ भाई, अंदर आ जाइए। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, आदमी अगर दिल लगा के कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपके इस ये कैसे हो सकता है क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम सारी रात एक ही कमरे में कैसे गुजार सकते हैं? देखिए, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो नींद आई जानी है और मैंने सो जाना। ठीक है, फिर ये मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए आप बाहर जाकर सो जाइए। देखिए मैडम, ये कैमरा कहाँ रखना है ये आप मुझे बता सकती हैं, लेकिन मैं अपना स्लीपिंग बैग कहाँ बिछाऊं ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, ये मेरी प्रॉब्लम है। दिस इज माय बिजनेस, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। और अगर आप यहाँ नहीं सोना चाहती तो शौक से बाहर चली जाइए। कैसे मर्द हो तुम, एक औरत के साथ इस तरह सलूक करते हो? देखिए, रात के इस वक्त मुझे अपनी मर्दानगी दिखाने का कोई शौक नहीं है। ओके, गुड नाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी। इडियट। चूर नहीं रहो, मैं भी हूँ तन्हा तुम भी अकेले, दूर रहे क्यों हम? सुनो जरा, सुनो जरा, जरा सुनो बात मेरी हमदम। पास मेरे आओ, पास मेरे आओ, पास मेरे आओ, पास मेरे आओ।
हवाएं बहकी बहकी फिजाएं भीगी भीगी हवाएं बहकी बहकी फिजाएं इतने अरमा जगाएं तो हम चैन कहाँ पाएं चलो गीत कोई गाएं चलो गीत कोई गाएं गीत में तालो धड़कन की और सांसों की सरगम पास मेरे आओ पास मेरे आओ पास मेरे आओ पास मेरे आओ ओह माय गॉड अरे फिर से देखो ए कनगी 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 उठो अरे बस फिर से छूट जाएगी चलो मैं जा रहा हूं मम्मी चाय अन्ना वो दोनों एक कमरे में नहीं सोए नहीं सोए तो कन्ने की बाहर सोई और कैमरा मैन कमरे में सोया चल कैसा मर्द है ये साला कैमरा मैन एक औरत को बाहर सुलाया और खुद अंदर सो गया शायद बनती नहीं होगी दोनों की आपस में भाई ठीक से तो खड़ी रहो यार सुहाना तुम्हें शर्म नहीं आती मैं कब से खड़ी हूँ सीट छोड़ नहीं सकते मेरे बैठने के लिए अरे तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ने सीट क्या चीज है जी आपको दुनिया छोड़ने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल सिर्फ सीट छोड़ दीजिए मुझे बैठना है उठिए इतने सारे लोग क्या कहेंगे इतनी हसीन लड़की के लिए छोड़ा भी तो क्या छोड़ा एक सीट तुम एक काम करो क्या मेरी गोद में बैठ जाओ व्हाट क्या बात है भाई साहब खड़े हो जाओ मैं तो खुद ही बैठिए बहन जी जी मैं तो खुद ही सीट छोड़ने वाला था बैठिए ना डर गया भाई जानवरों को मारता हूँ इंसानों को डराता हूँ यही रोक दो सुनो तुम ड्राइवर को पैसे दे देना मैं यहां देखकर आ रही हूं क्या देख के आ रही हो इसे भी रख देना प्लीज इसे जरा रख देना प्लीज अरे खोलना इसे नाक की सीध में चली जाओ पहला पेड़ जो सामने आएगा उसके नीचे बैठी एक औरत चूड़ियां बेच रही है उसे हरी चूड़ियां मांगना इस कागज को फाड़ दो कौन से रंग की हरी तुम्हारा नाम कन्नगी है ना हाँ अन्ना का आदमी अभी आया नहीं आएगा तो तुमको गांव में खबर भेज दूंगी अभी तुम गांव जाओ पर यहाँ हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा कहाँ ना गांव में जाकर रुको
अरे भाई साहब, हाँ जी, क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ? फोटो? जी हाँ। हाँ जी, खींचिए। देखिए, मैं आपको साथ में 100 रुपया भी दूंगा, लेकिन आपको एक बात बतानी पड़ेगी। हाँ जी, 100 रुपये दीजिए तो रामायण गीता में क्या है वो भी बता दूंगा। नहीं नहीं, रामायण गीता नहीं सुननी मैं। हाँ। सिर्फ इतना बता दीजिए, रजप्पा का पता क्या है? रजप्पा बंडीपुर तक पहुंच गए हैं, कन्नगी की चूड़ी वाली से मुलाकात हो चुकी है, तो उन्हें बंदीपुर में ही रात गुजारने दो, सुबह होते ही ले आना। ठीक है। सूखा पेट जैसे बाहर का इंतजार करता है, वैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कन्नगी। लेकिन जल्दबाजी में मैं किसी पर भी यह जाहिर नहीं होने देना चाहता कि मैं तुमसे पागलपन के हद तक प्यार करता हूं। आप लोग प्रेस वाले हैं? जी नहीं। आपने यहाँ फोटोग्राफी की? जी हाँ। आपके पास परमिशन है? जी नहीं। तो चलिए पुलिस स्टेशन। क्या कर लेंगे आप? व्हाट यू डू? हम लोग क्या कर लेंगे ये वहां चलकर बताएंगे, पहले चलिए। उठाओ उठाओ अपना सामान उठाओ। देखिए सर, मैंने बताया ना, हम यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। ये सब क्या ढूंढ रहे हैं आप? हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है? हम तो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, हमें आपसे जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। आप प्रेस वाले हैं? नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं। किसके लिए बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री? जी इनके लिए बना रहे हैं, ये जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और मैं इनके साथ हूँ। आपके पास शूटिंग के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन है? जी नहीं है। सीआरपी कमांडर की परमिशन है आपके पास? नहीं है जी। हवलदार, इन्हें अंदर डाल दो। देखिए हमने कोई गलत काम नहीं किया। देखिए ये डिस्टर्ब एरिया है, यू कैन नॉट शूट हियर विदाउट परमिशन। पर उसके लिए हमें ले जाओ इन्हें। हवलदार अंदर चलो, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। चलो शास्त्री जी। हाँ बंद कर दीजिए, ताला जरा ठीक से लगाइएगा। ये डॉक्यूमेंट्री मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। भूख तो Stop that! कुछ है क्या? अरे कुछ पैसे हैं क्या? क्यों क्यों देखती हूँ, कुछ खास नहीं है, बस इतने ही मेरे पास। हाँ नाइस प्रिटी रिंग, बहुत कीमती है ये। मुझे मालूम है यहाँ से निकलना है ना। खामोश चुप। क्या करोगे? ऐसा ही साहब, ऐसा ही साहब, जरा सुनिए। क्या है? अपने बड़े साहब कहाँ हैं? बड़े साहब तो घर गए, क्यों क्या बात है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हैं मिल सकते। सुनिए तो जरा हाथ दीजिए, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ मिल सकते हैं, मिल सकते। ओके। अरे सुनो गेट खोल दो। आइए शास्त्री जी, आइए आइए। नमस्कार सरकार। नमस्कार। नमस्कार, आखिर आपने हमारे लोगों को हिरासत में ले ही लिया। मैं क्या करता सरकार, आप तो जानते ही हैं, हमारा इंस्पेक्टर एक नंबर का नाखरुस है, हरामी है, एक नंबर का ईमानदार है। लेकिन हुजूर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आपके दोनों व्यक्तियों ने कुछ नहीं बोला, कहा हम तो जानवरों की तस्वीर लेने आए हैं, लौटे का नाम सहारनपुरी है,
दोनों को छोड़ दिया, लेकिन क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, ये तो मेरे को पता नहीं हुजूर। ऐसा आज्ञा हो तो जाऊं। हाँ तुम चलो। अच्छा देखिए सरकार, एक बात जरा संभल कर जाइएगा, रास्ता भी नाकाबंदी है। ईमानदार इंस्पेक्टर ने उसे छोड़ दिया। Here you are. Permission. अच्छा, good, चलो। एक मिनट, तुमने पुलिस को झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे साथ हो, जबकि सच यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी, उससे तुम्हें मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं। अरे कमाल है, हम दोनों एक साथ एक काम के लिए निकले हुए हैं और मुझे कोई मतलब नहीं। देखो ये जो परमिशन लाए हो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जानवरों की तस्वीरें लेने नहीं आए हैं। तो क्या करने आए? सॉरी, मैंने सिर्फ पुलिस से ही नहीं तुमसे भी झूठ कहा। हम यहाँ राजप्पा का इंटरव्यू लेने आए हैं। हाँ ठीक है, वो भी तो एक जानवर ही है। क्या राजप्पा का इंटरव्यू? हाँ। Are you crazy? पागल हो गई क्या? क्यों? देखो, उस जानवर को मैं अपनी बंदूक से शूट कर सकता हूँ, लेकिन अपने कैमरे से नहीं। नहीं शूट करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मिस्टर शुभांकर, तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें लिखा है कि मैं जो भी फिल्म बनाऊंगी तुम मेरा साथ दोगे। देखो मैंने तुम्हारे साथ अग्रीमेंट जरूर साइन किया था, लेकिन उसे ऑनर करूंगा या नहीं ये मेरी मर्जी है। राजप्पा का इंटरव्यू? देखो राजप्पा के बारे में तुम्हारी जो भी राय है वो तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन अगर सही में तुम प्रोफेशनल हो तो इस वक्त कायदे से तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। हाँ देखो, कायदे से तो तुम इतनी हसीन हो कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता, समझी? कहाँ जा रहे हो, किसे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो ये मेरा है। कीप इट। जाओ, समझते हो मैं नहीं संभाल सकती, अकेले कर लूंगी सब। बन्नेगी? हाँ? ये अन्ना के आदमी है। अच्छा, ये तुम्हें अन्ना के पास लेके जाएंगे। हाँ हाँ। कन्नगी जी, आपका दूसरा साथी कहाँ है? वो नहीं आ रहे हैं, मैं अकेले ही चलूंगी। चलो जल्दी चलो। मेरा बैग। हाँ क्यों भाई, कोई फंसी है नहीं? मेरा मतलब है पानी में कांटा डालकर बैठे हो, मछली फंसेगी? कभी कभी नहीं भी फंसती। हाँ ये भी सही है, अगर दूसरा शिकारी उधर बैठा हो उसके कांटे में फंस सकती। मेरे कांटे में फंसने वाली मछली किसी और के कांटे में नहीं फंस सकती। क्या बात है, ये भरोसा तुम्हें खुदा पर है? नहीं, खुद पर। भैया तुम पढ़े लिखे हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन थिंकर जरूर हो। नॉट ओनली थिंकर जेंटलमैन, मैं क्रिएटर भी हूँ, आई एम अ पोएट ऑल्सो। क्या बात है, तो भाई कोई शेर सुनाओ। मैं मजाक कर रहा था, मैं शायर नहीं हूँ, मतलब लिखना नहीं जानता, लेकिन पढ़ने का शौक जरूर है। तो किसी और का कुछ सुना दो। तो सुनो, मीर का एक शेर है। अरे क्या बात है, क्या बात है। गम रहा जब तक दम में दम रहा, दिल के जाने का नहायत गम रहा। अरे वाह क्या बात है। यानी दिल किसी को दे चुके हो? भाई मैं दुआ करूंगा कि जिस किसी को भी तुमने दिल दिया है वो तुम्हारे दिल को अपने दिल के साथ लगा कर रखे। अच्छा एक बात बता सकते हो? क्या? रजप्पा का पता बता सकते हो? भैया रजप्पा का पता पूछ रहा हूं। क्यों मिलना चाहते हो उसे? भाई जो आदमी इन गरीब आदिवासियों के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा हो उस महापुरुष के दर्शन करना चाह रहा हूं। उसका ठिकाना है यहाँ के लोगों के दिल, उसका बसेरा है यहाँ के लोगों के विचार, और अगर उसे देखना चाहते हो तो यहाँ के किसी भी बूढ़े या बच्चे के आंखों में झांक कर देख लेना, नजर आएगा वो तुम्हें। चल बेटा शुभांकर, जिस रास्ते से शुरुआत की थी शायद वही ठीक है। उस हसीन का साथ शायद नसीब की बात है।
चल भाई। तो होंगे सांप, यहाँ नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? आते जाओ, अब ज्यादा दूर नहीं है, अच्छा जल्दी पहुँच जाएंगे। आई होप सो। आते जाओ, आते जाओ। शुभांकर, अरे भाई ध्यान से। और कितनी दूर है? आप लोगों को हम यहाँ तक तो ले आए, अब आप लोगों को इस पहाड़ी के ऊपर जाना है। ये तो नामुमकिन है। इस पहाड़ी के ऊपर? हाँ हाँ, इस पहाड़ी के ऊपर। अरे ये पहाड़ी थोड़ी पहाड़ है भाई। अच्छा, कोई और रास्ता नहीं है? है, यहाँ से आप लोग आए हो ना, वहीं वापस चले जाओ, और वहाँ से इस पहाड़ी के पिछवाड़े जाते जाते आपको इसी टीले के पास पहुँचना है। इसमें दो दिन लगेंगे, वहाँ कोई ना कोई हमारा आदमी होगा जो आपको राजप्पा से मिला देगा। अच्छा मैं चलता हूँ। आप ये फोटो खींच सकता हूँ? नहीं। इंटरेस्टिंग फेस। ओह गॉड। खड़ी हो। ये क्या बदतमीजी है? अरे इतनी दूर से चलकर आई हो, अगर बैठोगी तो पाँव में क्रैम्प पड़ जाएंगे और फिर जिंदगी भर पहाड़ नहीं चढ़ पाओगी। ये क्या बदतमीजी है? क्यों बाबा क्यों? क्यों पहाड़ का रास्ता बताया आपने उन लोगों को? गंदगी को पहाड़ चढ़ना कहाँ आता होगा? अगर उसे कुछ हो गया तो? उसके साथ शुभांकर भी है, अगर फिर भी ना चढ़ पाए तो दूसरा रास्ता बता दिया गया है। लेकिन शहर की एक नाजुक लड़की को पहाड़ चढ़ाने की कैसी सोची आपने? राजप्पा, तुम यहाँ के लोगों के लिए अवतार हो, और यहां तक तुम्हारी जान का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये जो शुभांकर है, हो सकता है सरकार का जासूस हो जिसे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया हो। लेकिन इन सब बातों का पहाड़ चढ़ने से क्या ताल्लुक है? अगर वो पहाड़ चढ़ने में कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हमारा शक ठीक था। कैसी बातें करते हो बाबा, पहाड़ चढ़ना तो आजकल स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जाता है, और अगर शुभंकर की असलियत का पता लगाना है तो अपने शहर के नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए। उनको बोल दिया गया है
अभी तक वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो भी हो, जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती मैं तुम्हें शुभांकर से नहीं मिलने दूंगा। कनकी मसूरे, मैं ये भूलूंगा नहीं। उठ। पहाड़ चढ़ गए। किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, एक बार कनगी गिरने लगी थी, शुभांकर ने उसे बचा लिया, मगर उस बेचारी का बैग नीचे गिर गया। बैग लाने के लिए कह दिया गया है। चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ, पहाड़ चढ़कर तुम अपने राजप्पा के लायक हो गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपकी बेटी तैयार है? हेल्प योरसेल्फ। ओ गॉड, ओप्स। होश आ गया? शुभांकर, थैंक यू। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। हाँ वो तो सही है। हम यहाँ कितनी देर से हैं? ढाई घंटे से। बाप रे, मैं इतनी देर बेहोश थी? अब तुम बेहोश थी या नाटक कर रही थी ये तो तुम ही जानती हो। मैं इस तंबू में आई कैसे? मैं उठा कर लाया। उठा के मतलब? मतलब वही, अपनी बाहों में उठाकर तुम्हें अंदर ले गया। जरा डाइटिंग करा करो, मेरी तो सांस ही फूल गई थी। सुनिए, आपने कहा था कि आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। चलिए, आज हमने आपको दिया। सर, शुभांकर का मैसेज आया है, वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। गुड, सीएम साहब को फोन लगाओ, अगर वो मिल जाएं तो उनसे मेरी बात करा। राइट सर, गो। वाह, क्या खाना बना है। ग्रेट, मुझे खुशी है आपको पसंद आए। एक मिनट, क्या वो पास आओ, और पास, और पास, बस। चावल का दाना। वाह, सॉरी। तो तुम घर में सब अपने आप करते हो? क्या मेरा मतलब, क्या मतलब? जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन सफाई। नहीं नहीं, उसके लिए तो बाई आती सुबह। अच्छा, मतलब तुम शादीशुदा नहीं हो? मैं
लाइन नहीं मार रही हूँ। हाँ ये तो सही है। क्या? मेरा मतलब है ये सही है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और ये गलत है कि तुम लाइन मार रही हो। तुम तो पानी रखनी थी ना। तो क्यों नहीं की तुमने शादी? हिम्मत नहीं पड़ी। नहीं नहीं सीरियसली तुमने शादी क्यों नहीं की? सीरियसली? कुछ सपने किसी के साथ तो मैंने भी देखे थे। तो साकार हुए? नहीं, इसलिए दिल को कुछ अच्छा नहीं लगा। तो भाई मैंने तय किया जिस गांव जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। चुनांचे सपने सजाने बंद कर दिए, और वैसे भी जिस चीज की ज्यादा देखभाल की जाए वो जल्दी टूट जाती है। जैसे? जैसे दिल, कोई खूबसूरत सपना, या फिर दादाजी का हुक्का। और वैसे भी मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे ज्यादातर जंगलों में रहना पड़ता है। तो क्या हुआ अगर कोई सच्चे दिल से तुम्हें चाहेगी, तो वो शहर हो या जंगल, तुम जहां रहोगे वो वही रहेगी। अब जंगलों में कौन रहेगा मेरे साथ? किसी से पूछो तो जानो। ये तुम अपने बारे में तो नहीं कह रही ना? मैं? मैं भी वही सोच रहा था, अपने बारे में कैसे कह सकती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। श्योर तुम अपने बारे में नहीं कह रही थी? गुड नाइट। इतना बता दो मुझे, इतना बता दो, इतना बता दो मुझे, इतना बता दो मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी हो के नहीं हो, इतना बता दो मुझे, इतना बता दो, इतना बता दो मुझे, इतना बता दो। अन्ना ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। कहाँ है राजप्पा? तुम यहाँ ठहरो, वो अभी आएगा। नमस्ते। नमस्ते। लो। हेलो मिस्टर रॉय सर। हाँ रॉय बोलो। सर हमारा एजेंट मंजिल तक पहुंच गया है। गुड, ठीक है, जैसा प्लान तुमने मुझे बताया था वही करो। हाँ सर वैसा ही होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि एहतियात के तौर पर हमें कुछ जवानों को लेकर जंगल में घुस जाना चाहिए, और जितना मुमकिन हो उतना शुभांगर के नजदीक रहना चाहिए। What's your opinion, sir? अच्छा है, लेकिन याद रखो नो ब्लड शेड। हाँ यस सर, नो ब्लड शेड। थैंक यू सर। गंदगी का ओह माय गॉड। तुमने कन्नगी को यहां बुलाया है? हम शुभांकर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमारे आदमी शहर में उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, जल्दी ही कुछ पता चल जाएगा। हमें इस आदमी के बारे में इत्मीनान हो जाने दो, उसके बाद ही उससे मिलना।
नाचते वक्त तो ऐसा लग रहा था तुम अपने आप में नहीं हो। म्यूजिक कितना असर करता है तुम पर? जो कुछ तुमने देखा उसमें सिर्फ संगीत का ही असर नहीं था, तो कुछ और भी शामिल था। क्या? आसमान का रंग, हवा में तैरती सुगंध और मन में एक खिलता हुआ फूल। मन में तो फूल तभी खिलता है जब प्यार होता है। हाँ वही। That means you're in love. तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? ये तो मैं करीब आकर ही बताऊंगा। बंदूक।
पागल हो गए हो क्या? पागल होता तो गोली नहीं चल जाती अब तक। दरअसल मुझे लोगों के चेहरों पर डर देखने का बड़ा शौक है। बड़ा भयंकर शौक है? मछली पकड़ते हुए तो तुम्हें देखा था, लेकिन ये बंदूक? इसे मैं शिकार नहीं करता, सिर्फ अपने शिकार को डराता हूँ। हम तुम्हारे शिकार हैं क्या? तो इस जंगली इलाके में किसी जंगली जानवर का शिकार होने से तो कई बेहतर है मेरा शिकार होना, है ना? घबराइए नहीं, तुम तो जानते हो मैं शायराना तबीयत का आदमी हूँ। खून खराबा मुझे पसंद नहीं। एक शेर सुनाता हूँ, गालिब का है। इरशाद, इरशाद? मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। करेक्ट, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे भैया, वो रजप्पा का पता तो बताते जाओ। बताया तो था मैंने। वो रजप्पा का पता थोड़ी था, वो तो खुदा का पता था। रजप्पा यहाँ का खुदा ही तो है। क्या इंटरेस्टिंग आदमी है। कुछ समझी? इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद आप यहाँ के खुदा को मिलने आई? जी नहीं, इंटरव्यू लेने। ये क्या हुआ शुभांकर? किसने किया ये सब? माय गॉड, मेरा कैमरा टूटा तो नहीं? माय रिकॉर्डर, किसने किया ये सब? किसने किया ये सब? कोई है? कोई है? हम लोगों ने किया है। आप लोगों ने? क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर शुभांकर, अगर आप ज्यादा सवाल ना करें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। देखिए साधु साहब, रणजीत जी, जब आपके साथ बीपी सिंह आने वाले थे तो आप शुभांकर को क्यों लेके आईं? देखिए, बीपी का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है, तो और मैं शुभांकर के बारे में सब कुछ जानती हूं। मगर हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारा आदमी शहर में जाएगा, इसके बारे में जांच पड़ताल करेगा। जब तक हमें इत्मीनान नहीं हो जाता, आप लोग यहीं रहेंगे। और हाँ, आप लोग कहीं जाना नहीं। यहाँ जंगली जानवर है ना, आपको तकलीफ हो सकती है। तंबू में से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हमारा शक सही साबित हो। बाबा, तुम्हारे कहने पर यहां बुलाकर भी मैं उससे नहीं मिला। थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मुझे एक आध दिन और परख लेने दो शुभांकर को। अगर ये एक आदमी गलत निकला ना तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कमिन बाबू शाह, बाबू शाह, कमिन। सर, शुभांकर ऑन द लाइन। ओके, गिव मी। हाँ बोलो शुभांकर, क्या बात है? बाबू शाह, मौसम बड़ा खुशगवार है। गुड, वेरी गुड। यस, टेल मी। शिकार के इलाके में तो आ गया हूँ, लेकिन शिकार से सामना नहीं हुआ। अगर हुआ भी होगा तो तुम उसे कैसे पहचान पाओगे? उसकी सूरत से तुम्हारी वाकफियत भी नहीं है। यस, यू कुड बी राइट। और हाँ शुभांकर, एक बात और कहनी है तुम्हें। मैं जंगल में यहाँ कुछ जवानों को लेकर आ गया हूँ। गुड, ओवर एंड आउट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओवर एंड आउट। सुरों से गूंजे बसेरे,
पंछी जब गाए सोई थी मन में क्या जाने कब से जागी वो आशाएं हमको तुम जो मिल गए के शुभांकर कौन है? क्यों? कन्नगी का जार है वो। बाबा, अपने आप को फरेब मत दो राजप्पा। बाबा, मैं आपकी हर बात सुनता हूं और हर बात मानता हूं, लेकिन इस बारे में मैं ना तो कुछ सुनूंगा और ना मानूंगा। अपनी आंखों से देखने के बाद भी? बाबा, कई बार ऐसा भी होता है, आंखों से देखी हुई और कानों से सुनी हुई हर बात उतनी सच नहीं होती जितनी लगती है। और एक बात, अगर मैं आदिवासियों के खुद मुख्तारी के लिए सरकार से लड़ सकता हूं, तो कन्नगी के लिए अपने तकदीर से नहीं लड़ सकता। कहीं ये दो लड़ाइयां आपस में टकरा के बखेड़ा ना खड़ा कर दें। चिंता मत करो बाबा, कोई बखेड़ा नहीं होगा। मैं कन्नगी से मिलने के लिए तैयार हूं, कल किसी भी वक्त उन दोनों को मेरे पास ले आइए। आइए, चलिए। कहाँ है राजप्पा? राजप्पा अंदर है, आप जाके उससे मिल लीजिए। ये राजप्पा तो नहीं हो सकता। शुभांकर भाई किधर है फिर? मिल गया। कौन? राजप्पा। कहाँ? वो रहा। है कहाँ राजप्पा? मिस्टर राजप्पा कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ। तुम? ताज्जुब हो रहा है? ताज्जुब की बात ही है। तुम तो यार बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। यार जैसे छिछोरे शब्द यहाँ की सभ्यता में इस्तेमाल नहीं होते मिस्टर शुभंकर।
तो सॉरी कहूं क्या? कहने से ज्यादा जरूरी है महसूस करना। माफ करना कनक जी, पहली बार किसी बाहर वाले को यहां बुलवाया था इसलिए। होशियारी बरतनी जरूरी थी। सही समझा आपने। बाबा आप शुभंकर को उनके तंबू में ले जाइए, हम कन्नगी जी को इलाका दिखाने ले जा रहे हैं। चलिए कन्नगी जी। फोटोज तो मुझे, फोटोज कौन लेगा? अरे कन्नगी चलो। आइए। चिरायु, चिरायु, नमस्ते। नमस्कार। रजप्पा भी यहीं रहता कहीं? चला अंदर। चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। बंद करो। जंगल के पूर्वी सीमा के पास भी आदिवासियों के कुछ घर हैं और यहाँ भी राजप्पा के कुछ आर्म्ड मैन हैं। और आइए। ये सब क्या था? चाबी ले जाओ। हाँ मैडम आइए। मिस्टर राजप्पा, वो आदमी कौन था? कौन सा आदमी? जो अभी मिला था। गद्दार था। तो आप उसके साथ क्या सुलूक करेंगे? राजा, आओ बेटा। राजा देखो कौन आया आपसे मिलने। ये है कन्नगी जी। शेक हैंड करो इनसे, शेक हैंड करो। शाबाश, चलो ड्यूटी पर, चलो है, जाओ। मेरा खास दोस्त है। आइए, ये है आपका घर। How cute! How amazing! इसे मेरा नाम कैसे मालूम? मैंने बताया। आइए। See you. Wow. क्या खूबसूरत व्यू है। अरे उप्स, थैंक यू। अरे ये तो वो सारी चीजें जो मैं यूज करती हूँ, आपको कैसे लगता है? आपने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। शिकार के दीदार हो गए। गुड, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, मिशन की कामयाबी में कितना वक्त और लगेगा? आई कांट से बाबू मोशाय, वो बहुत चालाक है और लोग उसकी पूजा भी करते हैं, और वैसे भी उसकी डेली रूटीन का पता नहीं चला अभी तक। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, जस्ट टेक योर टाइम। वक्त कितना लगा और काम कैसे हुआ ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस
काम होना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ओके शुभंकर। जरूर होगा सर, ओवर एंड आउट। क्या मैं पूछ सकता हूं दिन भर कहां थी? Shut up! Oh. मैं पूछ रहा हूं कि तुम दिन भर कहां थी? What do you mean कहां थी? यही थी, आसपास, जंगल में। देखो कनकी, हम दोनों एक ही असाइनमेंट पे आए हुए हैं और ये जानने का मेरा पूरा हक है कि आज दिन भर तुम कहां थी। कम ऑन बच्चों, जैसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं काम के लिए गई थी, राजप्पा के साथ थी, कोई एतराज? नहीं, तुम राजप्पा के साथ थी इस बात का मुझे एतराज नहीं है। मुझे एतराज इस बात का है कि मैं वहां क्यों नहीं था, आई मीन एज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल? मिस्टर शुभांकर, कहीं आप जेलस तो नहीं हो रहे? जेलस? माय लेफ्ट फुट, अंगूर खट्टे हैं। नहीं है। तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं? जी हाँ। माउंटेनियरिंग भी सीख लिया है आपने? जी हाँ, वही कॉलेज के जमाने में एनसीसी में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थी। यू क्लाइम वेल। थैंक यू। इनफैक्ट टू वेल। कन्नगी जी, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। क्या है ये? कैसे हैं? ओवर एक्सपोज्ड हैं, आई मीन लाइट थोड़ी ज्यादा है। आपको कैसे लगे? जी मैं खूबसूरत है? लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। अरे कोई गीला कपड़ा लाओ, घबराइए अभी ठीक हो जाएगा। घबराइए नहीं, मैंने मैंने मरहम मंगाया। अरे जल्दी ला। ओ बाबा, ये जलेगा तो नहीं? थोड़ा तो जलेगा लेकिन बहुत आराम मिल जाएगा आपको। चलिए मैं आपको आपकी कॉटेज तक पहुंचा देता हूं। जी चलिए, संभल के आइए, संभल के आओ। बी केयरफुल। हाँ घबराइए ना, कल तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, निशान तक नहीं रहेंगे। ऑलरेडी काफी आराम है। मुझे समझ में नहीं आता लोग आपको गलत क्यों समझते हैं, आपको टेररिस्ट समझते हैं। बहुत अच्छे इंसान है, यहाँ के तो जानवर और परिंदे भी आपको प्यार करते हैं। सिर्फ वही नहीं, यहाँ के लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं तो शुभांकर के कॉटेज में जाऊंगी, रास्ते में बाइक खो गया था ना, रात के लिए कपड़े नहीं मेरे पास। प्यार में समझूं या नहीं समझूं, तुम ही कहो मैं समझूं क्या। बुझने वाले तो नहीं दिल में जलते ये दिए, एक लम्हे को हो तुम कि हमेशा के लिए। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं साहब, हमें कहा तो बड़े मजे में हैं। ये दो दो धोती वाले हैं मेरे पास कंपनी के लिए,
बाथरूम जाता हूँ तो ये साथ जाते हैं, तुमसे मिलने जाता हूँ तो ये साथ जाते हैं। अरे बंदी बनाकर रखा हुआ। सॉरी बाबा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। हाँ हाँ, आपको कैसे मालूम हो सकता है, आप तो बड़े आराम से हैं, बड़े मजे में हैं, बल्कि वन रूम विद अटैच्ड बाथरूम में रह रही हैं आप, और आपकी एंटरटेनमेंट के लिए एक तोता भी लटकाया हुआ है बाहर, और रजप्पा साहब खुद आपकी हाजिरी में है भाई, दावतें हो रही हैं, मालिशें हो रही हैं। यहाँ कुछ जल सा रहा है ना। अच्छा, सुबह जो तुमने अंगूर खाए थे वो वाकई खट्टे थे। अरे ये क्या कर रही हो? अरे कमाल, क्या हुआ? तमीज और तहजीब का तकाजा ये है कि पूछे बिना किसी मर्द के बैग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हो, कुछ छुपा रखी है क्या इसमें, कोई खास मर्दाना चीज? अरे भाई सिर्फ कपड़े चाहिए मुझे, दो बैग। I told you don't touch it. हाँ? मैंने बोला ना नहीं छुओ। ओ गॉड, ए मैं देता हूँ ना निकाल के। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े, गो टू हेल। सूट योरसेल्फ। आपने कहा था ना पहाड़ चढ़ते वक्त आपका बैग गिर गया था, ये नुकसान मेरे वजह से हुआ था, इसलिए मैं आपके लिए ये लाया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनकी बजाय बैग को बचा लेता तो मुझे कम से कम कम परेशान होना पड़ता। बैग की जगह ये नहीं गिरी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कैसा है ये? मैंने जो पहन रखी है ना, इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू। आप लोग ये डिस्कशन कहीं और जाकर करेंगे, मुझे गुड नाइट। चले अन्ना ने साड़ी दी इसे, अन्ना इसे बहुत प्यार करे है। मेरे हिसाब से तो वही है। हाँ अपने तो कुछ समझ में नहीं है। वो तो ठीक है मगर क्या है, क्या खबर लाए हो? शुभांकर बिल्कुल साफ आदमी है, दरअसल वो जंगली जानवरों की फोटोग्राफ लेने वाला एक बहुत मशहूर फोटोग्राफर है। मतलब उससे अपने को कोई खतरा नहीं है? खतरा है, है? मगर शुभांकर तुम क्या मतलब? इस इलाके में एक बहुत खतरनाक कमांडो अफसर को भेजा गया है, जानते हैं किसी नजफ्फा की हत्या करने के लिए। अच्छा वो जो अफसर है उसका नाम और तस्वीर मिलेगा क्या? बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने चक्कर चला रखा है, कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी पक्का नहीं। तो सरकार ने मेरी मौत के सपने देखना शुरू कर दिया है। बाबा जंगल में जो कमांडो फोर्स आई है वो उस पर नजर रखी जा रही है, अभी वो काफी दूर है, हमला करने के इरादे से आई है ऐसा लगता नहीं। जरूर उसकी मदद के लिए आई होगी जो हमें मारने आया है। हाँ शायद यही बात होगी। तो उस कमांडो फोर्स को अपनी कमांड का एक नमूना दिखा ही दो। सरकारी आदमी था, जब तक हमें वो अफसर नहीं मिलेगा जिसे रजप्पा को मारने के लिए भेजा गया है, हम रोज इसी तरह सरकार का एक आदमी मारते रहेंगे और लाश यहां तक पहुंचाते रहेंगे। हाँ बोलो बाबा मुशा। शुभांकर उन्हें यह तो खबर नहीं है कि तुम ही वो आदमी हो, मगर यह पता चल चुका है कि कोई अफसर रजप्पा को खत्म करने के लिए वहां भेजा गया है। मैं भी मौके की तलाश में हूं सर। इससे पहले कि वो लोग तुम्हें पहचाने, यू मस्ट सर। I know. Over and out. Beautiful. क्या मैं आपका हाथ पढ़ सकता हूँ?
आपको इन बातों पर यकीन है? जी, मौत हर वक्त जिनके सामने खड़ी हो उनको इन बातों पर यकीन करना ही पड़ता है। दीजिए। कौन सा? बाया। क्या नजर आ रहा है आपको? नाम तो आपका बहुत है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। पैसा, पैसा टिकता नहीं है। आता है जाता है। हे राजा, छोड़ना यार। राजा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जल्दी आपकी शादी होगी। हो सकता है। ये कमबख्त पामस्ट्री का सेशन भी आज ही होना था। लव मैरिज, आपकी लव मैरिज ही होगी। ये कन्नगी को भी आज रात को ही जागना था। वो तो होगी। सारे प्लान्स का सत्यानाश कर दिया। मैं चलूं? काफी थक गई हूं और रात भी काफी हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। No. Raja, no. Go away. Go away. No. Raja, no. Go, Raja. Go. I'm sorry. शुभांकर, शुभांकर, नाराज हो मुझसे?
दिशा। साला बहुत तगड़ा आशिक है, आज रात को नहीं सोने वाला। सॉरी बाबूशाह, मिशन नाकाम, मौका नहीं मिला, फिर कोशिश करूंगा। ओवर एंड आउट। राजा रजप्पा को गणेशन, राजा को देखा? कहां बैठा है बाबा? राजा कहां है? होगा यहीं कहीं। नहीं, आसपास तो नहीं है, रोज सुबह आता है, रात को भी नहीं दिखाई दिया है, कहाँ वो? अच्छा, ये दूसरी केबल से चाहिए ना शुभांकर? अभी देखता हूँ। जी मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। आप इन्हीं कपड़ों में इंटरव्यू करेंगे? क्यों, क्या खराबी इन कपड़ों में? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कपड़े और बंदूक कहीं आप लोगों को टेररिस्ट ना लगे। लेकिन मेरे पास तो और कपड़े है ही नहीं। कुछ करना ही पड़ेगा। एक मिनट, शुभांकर, शुभांकर दरवाजा खोलो। कम इन, इट्स ओपन। अच्छा, इसे मत पहनना, अंदर चलो जरा। आओ ना। अपना ये शर्ट खोलोगे? हाँ हाँ, जरूर। मुझे राजप्पा के लिए चाहिए। What? नहीं दूंगा मैं उसका अपना शर्ट। प्लीज, इस वक्त बहुत जरूरी है, जल्दी दे दो ना। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा इंटरव्यू, शर्ट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आई गॉट द मैसेज। मेरे पास दूसरा रास्ता है। अभी धो डालती हूँ इसे। क्या धोने जा रही हैं आप? आपके लिए टी शर्ट। छोड़िए, अभी मैं ऐसे पहन लूंगा। नहीं नहीं, मैंने रात को पहनी थी। अच्छा है ना, इससे आपके बदन की खुशबू जो आ रही है। मेरा बैग लीजिए। ये कैसे मिला? ओह माफ कीजिए, उस दिन जो आपका बैग गिर गया था मेरे आदमी उठा लाए थे। तो फिर उसी दिन वापस क्यों नहीं किया?
इसलिए तो माफी मांग रहा हूँ। मैं समझी नहीं। दरअसल मैं आपको आदिवासी दुल्हन के लिबास में देखना चाहता था। कुछ पता नहीं चला। गंदगी जी, जब से मैंने सरकार से लड़ाई शुरू की है तब से आपको टीवी पर देख और सुन रहा हूँ। आपके कई लेख भी पढ़े हैं मैंने। रजप्पा, ये तुम कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी हर मांग को सही समझती हूँ। खास करके तुम्हारी ये खुदमुख्तारी की जो मांग है ना, उसे तो मैं बिल्कुल सही नहीं समझती। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम और सरकार दोनों मिलकर एक ही टेबल पर बैठकर इन सारी समस्याओं का कोई हल निकालो। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं सरकार को भी, मेरी मांगों को भी, आदिवासियों को भी। कन्नगी जी, कुछ अपनी बातें करते हैं। अपनी मतलब? अपनी मतलब मेरी, आपकी। राजपत, तुम? हाँ कन्नगी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हंस लो भले, मगर हंसी में बात को टाल मत देना। राजपा, क्या कहूँ? किसी और से प्यार करती हूँ? तुमसे नहीं करती और कभी कर भी नहीं पाऊंगी। कन्नगी, कहानी यही खत्म मत करो। कल को ऐसा भी वक्त आ सकता है जब मैं साबित कर दूं कि मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तो We'll cross our bridges when we come to them. जगन, पाया बाबा। आशा, हाँ बाबा। क्या हुआ बाबा? हाँ क्या? इसको खोदो। तो आप मानते हैं कि हर एक को बराबर का मौका मिलना चाहिए? आप सिगरेट बहुत पीते हैं, हमें पसंद नहीं है ये, फेंक दीजिए बुझाकर। हाँ कहिए। आप मानते हैं कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए? हाँ, इस मुल्क का संविधान, नेता लोग अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी ओर मोड़ लेते हैं, ये जनता के हित में नहीं है, इसलिए हमने हमारा अपना संविधान बना लिया है। यानी कि अपनी हुकूमत की स्थापना की है? जी। लेकिन जो हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाता है वो टेररिस्ट कहलाता है। माइंड यू, हम टेररिस्ट नहीं है, हम रिवोल्यूशनरी है। यह जंग तो अहिंसा से भी जीती जा सकती थी, गांधी जी ने साबित किया है पहले। रेवोल्यूशनरीज लोगों के दिलों में दहशत नहीं फैलाते, उनका कत्ल नहीं करते। पुलिस का कहना है, आप पुलिस का कहना है कि आपने बंदीपुर के लोगों को खुद कत्ल करवाया। सवाल आप पूछ रहे हैं, कन्नगी की पूछ रही है, और नाम लिया पुलिस का, क्या सच है? प्लीज स्टॉप। आपने नशाबंदी लागू करने के लिए आपने ठेकेदारों के परिवारों को कत्ल किया है, क्या ये सच है? क्या ये सच नहीं है? आपने ऐसे? लगता है रात को किसी ने मार दिया। राजा, बेटा राजा, 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 अपने आप राजा, 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 संभालो। किसकी जिम्मेदारी थी इसको देखने की रात को? पाशा की। नहीं नहीं अन्ना, अन्ना नहीं, नहीं। जिम्मेदार
अभी यकीन नहीं आता तुम्हें? कनगी रजप्पा कोई रेवोल्यूशनरी नहीं है, वो किसी मजलूम के लिए जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि अपने लिए लड़ रहा है, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। वो इन गरीबों को उनका हक नहीं दिलवा रहा, बल्कि उनके मन में अपना डर पैदा करके अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। रजप्पा कोई देशभक्त नहीं है, ही इज अ क्रिमिनल, अपराधी है वो। वो अपराधी नहीं है, अपने मकसद को हासिल करने के लिए कभी कभी कुछ खोना पड़ता है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। इन गरीबों की कुर्बानी, इन अनपढ़ मजबूरों की कुर्बानी, जो ये भी नहीं जानते कि ये रजप्पा के साथ क्यों है, कौन सी जंग लड़ रहे हैं। अगर वो गलत है तो यहाँ के सारे गांव वाले उसे अपना देवता क्यों मानते हैं, अपना मसीहा क्यों मानते हैं? वो कोई देवता नहीं है, किसी का मसीहा नहीं है, वो इन गरीबों के लिए सूली पर नहीं चढ़ने वाला, नहीं चढ़ने वाला, बल्कि इनको रोंद कर, इनको मार कर, इनकी बाजारों पर अपनी हुकूमत की नींव रखने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड? तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उससे जलते हो। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ कन्नगी, आई लव यू होपलेसली, लेकिन मैं रजप्पा से जलता नहीं, क्योंकि उसका वो मैयार ही नहीं है। करना पंडित जी, बहुत गलत हो गया। क्यों, क्या हो गया? मेरी पहली इंफॉर्मेशन गलत निकल गई, वो शुभांकर ही है। क्या? वो खतरनाक कमांडो अफसर शुभांकर ही है जो रजप्पा की हत्या के लिए यहाँ आया। ये मैं पहले ही कहता था, अगर किसी को अपने शक पर यकीन करना हो तो पहले ही शक पर। तुमने मुझे बुलाया रजप्पा? हाँ कन्नगी, आ जाओ। ये कौन है? ये शुभांकर, मेरा कैमरामैन। झूठ! ये कमांडो है जो मुझे मारने के लिए यहाँ आया है। ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है ये सिर्फ एक फोटोग्राफर है। राजा, ये मेरी जान लेने के लिए यहाँ आया है और तुम उससे मिली हुई हो। गद्दारी यार की भी माफ नहीं की जा सकती। मेरी मौत के बारे में सोचने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। रजप्पा, रजप्पा, अगर तुम्हारा ये उसूल है कि तुम अपनी मौत के बारे में सोचने वालों को जिंदा नहीं छोड़ते, तो फिर स्टेट की पूरी पुलिस फोर्स को तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि वो सब तुम्हें मारना चाहते हैं। ये सच है रजप्पा कि मैं यहां तुम्हें मारने के लिए आया हूं, लेकिन मेरा यकीन करो, इस बारे में कन्नगी कुछ भी नहीं जानती। मैं मरने के लिए तैयार हूं रजप्पा, अगर मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, भले ही तुम उसे झूठ मानना, मगर मेरी बात सुनो। ये सच है कि मैं यहां तुम्हें मारने के लिए आया था, और अगर चाहता तो अब तक मार दिया होता। मगर नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा, क्योंकि मुझे यहां आकर ऐसा लगा कि तुम काफी हद तक सही हो और सरकार काफी हद तक गलत है। अब चला गोली, मेरा वादा रहा तुमसे कि सीने पे ही खाऊंगा। बाबा, इन दोनों को गार्ड्स के साथ कैदियों के तंबू में भेज दो, मुझे आपसे कुछ सलाह करनी है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है राजप्पा, इन दोनों को खत्म कर दो। जो इंटरव्यू अधूरा है वो पूरा होना हमारी मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है बाबा। रजप्पा, भगवान के लिए कन्नगी को अपने लिए इतनी बड़ी कमजोरी मत बनाओ जो आदिवासियों के हक को मार डाले। कल तक किसी कैमरामैन का बंदोबस्त हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो फिर ठीक है।
शुभंकर अभी और कन्नगी कल तक मौत की नींद सुला दिए जाएंगे। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, क्यों किया ऐसे तुमने? देखो करने की बात सिर्फ इतनी सी है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं और मैंने तुम्हें बताया नहीं, और खुद सच को रिवील करने की इजाजत मेरा फर्ज नहीं देता, और दुश्मन के किसी भी आदमी को जिंदा छोड़ने की इजाजत मेरे उसूल मुझे नहीं देते। नर्म क्यों पड़ गए रजप्पा? मैं तो दुश्मन से भी जरा ज्यादा हूं, तुम्हारी जान लेने आया था, और अब अगर तुम मेरी जान लोगे तो ये गलत नहीं होगा। मगर मैं इसे गलत कहूंगी। और इसका मेरी हत्या करने के लिए आना, इसे भी तुम सही कहोगे? नहीं, मैं उसे भी गलत कहूंगी। शायद तुम नहीं जानते मैं फांसी के खिलाफ 10 लेख लिख चुकी हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारा लिखा हुआ एक एक शब्द पढ़ा है मैंने। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मुझे मालूम होता कि शुभंकर तुम्हारी हत्या करने यहाँ आ रहा है तो मैं कभी इसे अपने साथ नहीं लाती। तो फिर ठीक है, तुम ही फैसला करो इसके साथ मैं क्या करूँ। मेरा फैसला तुम सुन चुके हो, मैं किसी की भी जान लेने के हक में नहीं हूं। मिस्टर शुभंकर आप बाहर आइए। जिसने तुम्हें बचाया मुझसे नहीं बचेगी आज। अगर तुम्हें जान ही लेनी है तो मेरी क्यों नहीं लेते? एक औरत की जान क्यों लेते हो? तुम्हारी जान बख्शना उसका फैसला था, उसकी जान लेना हमारा फैसला है, और इस इलाके का यह चलन है कि फैसले होने के बाद बदले नहीं जाते। ले जाओ इसे और अपनी हद के बाहर छोड़ दो। जो कहा है वही करोगे? नहीं, ये तो मैंने इसलिए कहा था कि वो वापस लौट कर आने की ना सोचे। खुशकिस्मत हो तुम कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, वरना तुम्हारी लाश को अब तक जंगली जानवर खा गए होते। इसके लिए तूने अपने कातिल को छोड़ दिया, अच्छा नहीं किया। इसके खातिर मैं दुनिया को छोड़ सकता हूं। ले चलो कैमरा। इंटरव्यू के बाद क्या तुम्हें फोर्स की जरूरत है? नहीं सर, रजप्पा ने मुझे छोड़ दिया लेकिन कनगी अभी तक वहीं है। देखो तुम कनगी की चिंता मत करो, तुम चले आओ, हम उसे बचाने के लिए हमला कर देंगे। नहीं सर, जब तक आप हमला करेंगे वो उसे मार डालेंगे। शुभंकर मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम वापस चले आओ इमीडिएटली। सर ये नौकरी फर्ज या रियासत का मामला नहीं है, मोहब्बत का मामला है। ओवर एंड आउट। शुभंकर, शुभंकर! ओह शिट! शुभंकर, एक बार बचने के बाद
कोई इस तरह दोबारा मौत के मुंह में लौट कर आता है भला? आता है। अगर वहां उसकी जान हो तो। नमस्ते बाबा, मैं कैमरामैन। जीते रहो, सब तैयारी कर लो जी। राजप्पा आता ही होगा। ठीक है। मैंने आदमी भेजा है, अभी आती ही होगी। अन्ना, 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 वहाँ तंबू में कोई नहीं अन्ना, और हमारे चार लोगों की लाशें पड़ी वहाँ। सारा गांव खाली कर दो, कोई भी उनकी गोली का शिकार न होने पाए, ना कोई उनके हाथ लगने पाए। देखो करें, हथियार चाहे तीर कमान भाला बर्छी तलवार या AK-57, हथियारों की लड़ाई में खून तो बहेगा ही। देखिए, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, दो पक्षों में से किसी एक पक्ष की तरफदारी कर सकती हूँ, लेकिन अगर खून बहने की नौबत आएगी मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगी। यही तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कन्नगी, कि खून ना बहे। रजप्पा तुमसे प्यार करता है ना? तुम एक खत लेकर उसे अकेले यहाँ बुला, हम उससे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हम सिर्फ उसे समझाना चाहते हैं कि भाई हथियार फेंक कर सरकार के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत कर लो, यही तो तुम भी चाहती हो ना? क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि अगर वो आपकी बात नहीं माना तो आप उसे जाने देंगे, ना उसे अरेस्ट करेंगे और ना हमला, और ना ही उसका पीछा करेंगे? ओके, आई प्रॉमिस यू। सारी बस्ती खाली हो गई? हाँ हो गई, लेकिन रमन्ना अभी तक क्यों नहीं आया? कहाँ गया रमन्ना? अरे कहीं नहीं गया अन्ना, वो देखो वो आ रहा है रमन्ना। अरे आओ, कहाँ रह गए तुम लोग, जल्दी करो। अन्ना क्या हुआ? अन्ना ये खत एक आगे कपड़े वाले ने दिया है और कहा है कि करने के लिए भेजा है। रजप्पा तुम तो जानते ही हो सरकारी फोर्स कहाँ है, तुम अकेले यहाँ आ जाओ, ये लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। सुनने के बाद अगर इनकी बात तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम वापस अपने इलाके में लौट सकते हो। तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा और ना ही कोई तुम्हारा पीछा करेगा। और अगर तुम इन लोगों की बात मान लेते हो तो आगे सरकार के साथ बातचीत करने के लिए दरवाजा खुल जाएगा। राजप्पा प्लीज तुम अकेले आ जाओ, हो सकता है इस खून खराबे से मुक्ति मिल जाए। तुम्हारी शुभ चिंतक कन्नगी। बिल्कुल नहीं जाना रजप्पा, ये चाल है। अरे चाल नहीं, चाल नहीं, जाल है, जाल अन्ना, बिल्कुल नहीं फंसना। कन्नगी ने बुलाया, वो भी उन लोगों के साथ मिल गई होगी, ये धोखा है, धोखा। धोखा है बाबा तो कन्नगी का दिया हुआ है, मैं जाऊंगा। इस प्यार के अंधे को मैं अपने इतने बरसों की मेहनत इतनी आसानी से बर्बाद नहीं करने दूंगा। आओ, चीफ के टेंट में चलते हैं। शुभांकर। क्या ये? अरे ये रजप्पा को मारने के लिए नहीं है, हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, बिलीव मी। कम, कीप इट डाउन। डोंट वरी मैम, जस्ट रिलैक्स,
आई प्रॉमिस यू विल बी सेफ। किसी भी पौधे को पेड़ बनने के लिए बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसे काटने के लिए आधा घंटा भी नहीं लगता। हाँ बाबा, लेकिन अब आगे क्या करना है ये तो बताओ। हमारा नेता तो नारी के चक्कर में पड़ गया। बाबा इसका मतलब ये हुआ कि इतने सालों की मेहनत सब बेकार गई? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम दोनों कमांडो कैंप के पास पहुंच जाओ और वहां किसी पेड़ पर चढ़कर छिप जाओ। अगर राजप्पा ने सरकार के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की तो उसे बेधड़क गोली मार देना। मैं समझता हूँ वो जरूर आएगा। टेबल का मेरा भी यही ख्याल है, मगर आप अपने वादे से फिर मत जाना। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। जब तक वो सफेद झंडी तक ना पहुंच जाए, नो मोमेंट्स। हाँ, तब तक पता चल जाएगा कि उसके पीछे कोई है या नहीं। यस यस, आई मीन टू से दैट। बिलीव मी। शुभांकर, ऐसे पॉजिटिव धोखे हमारे फर्ज के दायरे में जायज है। कनगी, राजप्पा मेरे साथ धोखा हुआ, मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहती थी। ऐसा वक्त आ सकता है कन्नगी, जब मैं ये साबित कर सकूं कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। आ,
देखो कनेगी, अर्जुन ने भी शिखंडी के पीछे छुपकर भीष्म पितामह पर तीर चलाए और उसे धर्म में भी जायज माना गया है। ये मिसाल देकर तुम उससे क्या मनवाना चाहते हो कि जो कुछ भी तुमने किया वो सब जायज था? मैं कुछ मनवाना नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे तुम धोखा कह रही हो वो हमने बहुत सी मासूम आदिवासियों की जान बचाने के लिए किया। रजप्पा की मौत मौजूदा हालत में ऐसी मांग थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। एक बार मिशन फेल हो चुका था और अगर हम पूरी फोर्स से हमला करते तो तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकती कितनी मासूम जाने चली जाती। अब जब चैनल 16 पर तुम जनता के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करोगी तो तुम्हें पूरी आजादी है, तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो, जो कुछ भी कहना चाहती हो खुलकर कह सकती हो। यस स्टार, मैं कन्नकी चैनल 16 के लिए बंडीपुर से बोल रही हूं। मौत कभी भी खुशी की बात नहीं होती, मगर कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिनसे समाज को राहत मिलती है। रजप्पा की मौत भी ऐसी ही मौत है जिससे हमारी सरकार को राहत मिली है। रजप्पा की मांगे सही थी या नहीं, रजप्पा की मौत सही है या नहीं, इसका फैसला किसी भी अदालत में नहीं होगा। आपको करना है ये फैसला, क्योंकि सरकार बनाना, गिराना या मिटाना आप लोगों के हाथ में ही है। शाम ढली बन में महकी हवा, शाम ढली बन में